विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भारत की हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर खत्म होना अब लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने इस बात का कड़ा संकेत दिया है कि अगर टीम इंडिया को 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो शायद ही वो टीम इंडिया के लिए कभी खेल सकें। इस बारे में एमएसके प्रसाद जल्द ही धोनी से बात भी करने वाले हैं। खबरों की माने तो मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद जल्द ही धोनी से बात करेंगे। ऐसा तब होगा जब धोनी अगर पहले ही अपने फैसले के बारे में प्रसाद को जानकारी नहीं देते। खबरों की माने तो एमएसके प्रसाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो सिलेक्टर्स के टी20 वर्ल्ड कप टी20 के प्लान का हिस्सा है। उन्होंने सम्मान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। अब वो कभी लय हासिल नहीं कर सकते जो कभी हुआ करते थे। सूत्रों ने कहा कि ऋषभ पंत जैसे युवा क्रिकेटर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं धोनी अब पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे। 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो संघर्ष करते दिखाई देते हैं। ये टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में धोनी की धीमी पारी ही रही थी और आखिरी ओवरों में जब गेंद की तुलना में अधिक रन चाहिए थे तो आउट हो गए और भारत 18 रन से हार गया। खास बात यह है कि विश्व कप के बाद रिटायरमेंट लेने जैसे मुद्दों पर कभी सिलेक्टर्स और धोनी के बीच बातचीत ही नहीं हुई। इस बारे में हाल ही में एक सूत्र ने बताया कि हम नहीं चाहते थे कि धोनी का ध्यान भटके। हम चाहते थे कि धोनी अपना पूरा ध्यान वर्ल्ड कप पर लगाएं और उसे देश में लेकर आएं। लेकिन अब समय बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे उन्होंने पाया ना हो और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर साबित करने की अब कुछ ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट में अहम स्थान रखने वाले एक पूर्व खिलाड़ी ने भी कहा कि मुझे विश्वास है कि धोनी फिर से भारत के लिए नहीं चुने जाएंगे। ये सबसे अच्छा समय है जब वो क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वास्तव में मुझे लगता है कि विराट की कप्तानी की भी समीक्षा की जा सकती है। ये अभियान किसी भी मानकों में सफल नहीं था। उनकी जवाबदेही तो बनती है। आपको बता दें कि ये धोनी ने 350 वनडे मैचों में करीब 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं, जबकि 98 इंटरनेशनल टी20 में उन्होंने करीब 38 की औसत से 1,617 रन बनाए हैं। हालांकि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि उनके देश में बड़े सितारों को बाहर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चरणबद्ध नीति है, जबकि उपमहाद्वीप में एक बार खिलाड़ी महान दर्जा हासिल कर ले तो उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। स्टीवो ने कहा कि यहाँ आपको 140 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। एक बार खिलाड़ी हिट हुए तो वो व्यक्ति न रहकर महान बन जाता है, भगवान बन जाता है। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य को लेकर चल रहे विवाद के संदर्भ में जब बॉस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संन्यास लेने की नीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह दिलचस्प है, ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से ऐसा करता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, क्योंकि आपको जाना ही होता है। हालांकि अब धोनी के संन्यास पर विवाद बढ़ चुका है। एमएसके प्रसाद ये साफ कर चुके हैं कि वो इस बारे में धोनी से बात करेंगे। अब देखना है कि धोनी का आगे का इंटरनेशनल करियर कैसा रहता है। हालांकि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा फिनिशर भारत को शायद ही अब कभी मिले। ANP न्यूज़ रूम से सुरजीत की रिपोर्ट।